नमस्कार, मैं प्रखर वास ने आप सभी का समाचार टाइम 24 के खास प्रोग्राम यूपी स्पेशल में स्वागत करता हूं। गोरखपुर के गुलरिहा में सिरफिरे युवक ने मस्जिद पर पाकिस्तानी झंडे जैसा झंडा लहराकर माहौल गर्मा दिया। पुलिस ने तत्काल झंडा उतरवाकर माहौल को शांत किया। पहुंचे अधिकारियों ने मामले में पूछताछ की। पुलिस ने झंडा लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि दो झंडे मिले हैं, लेकिन दोनों धार्मिक हैं। पाकिस्तानी झंडा मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, जाँच चल रही है। मोहम्मद चखान गांव निवासी सूबेदार खान मजदूरी करते हैं। उनका बेटा मोहम्मद शरीफ रविवार की देर शाम गांव में स्थित मस्जिद पर पहुंचा और छत पर चढ़कर एक झंडा लगा दिया। झंडा बिल्कुल पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता था। सोमवार सुबह जब गांव वालों की नजर झंडे पर पड़ी तो मामला चर्चा में आ गया। गांव वालों ने मोबाइल से इसकी फोटो खींचने के बाद भटट चौकी पुलिस को सूचना दी। चौकी इंचार्ज संजय यादव तत्काल सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे और मस्जिद पर लगा विवादित झंडा उतरवाया। बसपा से बागी हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनके प्रति भाजपा का रुख सकारात्मक है। उधर स्वामी प्रसाद आगामी 1 जुलाई को प्रस्तावित कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि सम्मेलन से ही उनका सियासी कद तय होगा। बसपा के बगावत के बाद स्वामी प्रसाद को अपेक्षित समर्थन न मिलने से समर्थकों के बीच बेचैनी है और एक राय नहीं हो पा रहे हैं। एक खेमा अलग दल बनाने के लिए माहौल बना रहा है, तो भाजपा में शामिल होने की लाविंग करने वाले भी कम नहीं। वहीं कुछ समर्थक कांग्रेस के नजदीकी बढ़ाने में तर्क गिना रहे हैं। कांग्रेस से मेल करने की परोपकारी करने वालों का कहना है कि भाजपा में उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिल सकेगा और समर्थकों को भी टिकट दिलाने का संशय रहेगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में गाजीपुर के बुद्ध शरण इंटर कॉलेज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई थी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 5 दिन के भीतर वैसा सामने आया था, जिससे संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के भी होश उड़ गए थे। 1 मई को हुई पॉलिटेक्निक परीक्षा का परिणाम 10 जून को घोषित हुआ था। उसमें से गाजीपुर के बुद्ध शरण इंटर कॉलेज केंद्र के 28 छात्रों का परीक्षा फल संदिग्ध मानकर रोक लिया गया था। इनमें से 12 टॉपर छात्र भी शामिल थे। 5 दिन पश्चात 15 जून के संस्करण में एक ही हैंडराइटिंग से भरी गई थी। आधा दर्जन ओएमआर शीट शीर्षक को प्रमुखता से छापा। असर यह हुआ कि सुस्त पड़ी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद में पड़ताल को आधार बना जांच की, जिसके बाद परिषद ने 28 छात्रों का परीक्षा परिणाम रद्द किए जाने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई दबी छुपी दावेदारी पर तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह वक्त आने पर ही कदम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने यह जरूर स्पष्ट कर दिया कि जो भी भाजपा का मुख्यमंत्री होगा वह विकास से नहीं भटकेगा। यह स्पष्ट है कि भाजपा फिलहाल अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। जो हालात हैं उसमें यह फैसला आसान भी नहीं होने वाला है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह ने यह भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली है कि भाजपा की सरकार बनी तो विकास की गारंटी वह देंगे। ध्यान रहे कि इसी महीने इलाहाबाद कार्यकारिणी के बाद प्रयाग की रैली में खुद मोदी ने जवाबदेही की बात कही थी। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मुन्ना सिंह की पत्नी बीना सिंह ने देर रात जहर खाकर आत्महत्या कर ली। कमरे से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वह बीमारी से तंग होकर आत्महत्या कर रही हैं। न्यू हैदराबाद कॉलोनी निवासी डॉक्टर मुन्ना सिंह कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। परिवार में उनकी पत्नी वीना सिंह और 2 बेटे हैं। मुन्ना सिंह के मुताबिक रविवार को पत्नी बेटे के साथ काकोरी कस्बा स्थित दूसरे मकान में गई थी। रात बेटा वहां से बाजार गया था। कुछ देर बाद लौटा तो वीना को उल्टियां हो रही थी। उन्हें गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचा, वहां डॉक्टर ने वीना को मृत घोषित कर दिया। अभी समय हो चला एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कहां एक छात्र ने किया आत्मदाह का प्रयास।